भारत के केरल राज्य के एक छोटे से गांव में एक आदमी साइकिल खींचता हुआ जा रहा था। उस साइकिल पर रखा था एक छोटे से रॉकेट का एक हिस्सा। तमाम जुगाड़ बैठाकर संसाधनों की कमी से जूझकर साइकिल के पहियों की चाल को रॉकेट की उड़ान में बदला गया। वर्ष 1969 में ही कुछ तेजस्वी वैज्ञानिकों की पहल के कारण भारत को मिला अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम इसरो। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पहला प्रमुख अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के खनिज और रसायनों का मानचित्रण करना था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंड साइंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगस्त 2019 चंद्रयान 2 पहुंच गया था मून के ऑर्बिट में। 6 सितंबर 2019 को चांद पर लैंड होने में सिर्फ 2.1 किलोमीटर पहले ही चंद्रयान 2 ने लॉस कर दिया था अर्थ से कांटेक्ट। इट वाज लेटर कंफर्म दैट द स्पेसक्राफ्ट हैड क्रैश लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो की सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई थी। चंद्रयान 3 को रॉकेट में तैनात कर दिया गया। चंद्रयान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहुंचा था। इसके बाद इसे रॉकेट Thank you.
को भारतीय समय के अनुसार 6:04 पर सफलतापूर्वक पहुंच चुका था। इसी के साथ इसने प्रज्ञान रोवर को भी चांद की सतह पर उतारा। भारत चांद की सतह पर यान उतारने वाला 4th देश बना और तो और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला विश्व का सबसे पहला देश बना और एक कीर्तिमान स्थापित किया। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। आदित्य L1 के उपकरणों को सौर वातावरण, मुख्य रूप से क्रोमोस्फेयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 to the students for their awesome performance. Your performance was truly fantastic. जमीन से चांद तक के इस सफर को इन बच्चों ने